प्रीतविहार थाना क्षेत्र के एनर्जी जिम के मालिक की हत्या के मामले में सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तीन आरोपी दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रीतविहार थाना क्षेत्र के विकास मार्ग स्थित एनर्जी जिम के ऑफिस की है, जो कि पहली मंजिल पर है। इसमें तीन लोग आते हैं, दो लोगों ने नकाब पहन रखा है और सीधे जो एनर्जी जिम के मालिक जो महेंद्र अग्रवाल है उनके केबिन में जाते हैं, घुसते हैं और कुछ देर के बाद बाहर आते हैं। और बाहर आते ही बाहर जो कर्मचारी उनसे भी कुछ बातचीत करते हुए दिखा देते हैं और कुछ बोलते नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरे कमरे में जाते हैं जिसमें डीवीआर भी रखा होता है। गनीमत है कि जिस एंगल से हम आपको सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं, ये एक डीवीआर से कनेक्ट नहीं था, ये एक लैपटॉप से कनेक्ट था जो कि वाईफाई सिस्टम से चल रहा था, इसीलिए ये पहली एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। इस मामले पर हमने पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी अमूर्था गुगलोत से शनिवार की रात 10 बजे हमने बात की। उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। वही हम बता दें कि इसमें काफी सारी टीम इन्वॉल्व हो गई है मामले को सुलझाने के लिए। प्रीतविहार थाना की खुद की अपनी टीम, इसके अलावा पूर्वी दिल्ली जिला की स्पेशल स्टाफ एटीएस, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है मामले को सुलझाने के लिए। वही हम बता दें कि एनर्जी जिम के मालिक की हत्या शुक्रवार की देर शाम 7:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी और प्रीतविहार थाने को इसकी पीसीआर कॉल 7:58 पर मिली थी और 30 और 31 दिसंबर की मध्य रात तक पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही थी। वही हम आपको ये भी बता दें कि घटना स्थल के आसपास के लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि आरोपी किस तरफ से आए थे और किस तरफ गए। फिलहाल प्रीतविहार थाने ने मामला दर्ज कर लिया और जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है शनिवार को, इस फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है।